हमारे सभी प्रतिनिधि इस दौरान नमस्कार, सेविंग हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? नमस्कार मैडम जी, मैं PSEL निवेशक का एक एजेंट बोल रहा हूँ। जी बताइए सर। मैम हमारा जो पैसे देने का प्रोसीजर चल रहा है, उस प्रोसीजर को लेकर आपसे हमें कोई बात करनी है, क्या आपके पास टाइम है उनसे बात करने का? जी बताइए सर। सर जैसे कि आप जानते हैं कि PSEL इंडिया लिमिटेड 2014 में आपने बंद कर दी थी, और उसका पैसे की देनदारी उसकी पैसे की देनदारी आपको और RM लोढ़ा जी को दी गई थी, और प्रॉपर्टी पूरी जो है RM लोढ़ा जी के कब्जे में है, बेचने की सारा प्रोसीजर उनके हाथ में है। तो अब ऐसे में हमारा जो प्रोसीजर आप लोगों ने चला रखा है, उस प्रोसीजर में इतना कम पैसा आप लोग दे रहे हैं, उससे हम लोगों का गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जो है मोटे अमाउंट लगे हुए हैं इसमें। मैम 80 लाख रुपया मैंने इसमें जमा करवाया गरीब निवेशकों का, और वो पैसा उनको नहीं मिल पा रहा। किसी की 50,000 की FD है, किसी की 1 लाख की FD है, किसी की 2 लाख की, 25 लाख की, इस तरीके से मोटा अमाउंट हमने लगवा रखा है। अब वो लोग हमसे ही पूछते हैं कि हालांकि हमने बता रखा है कि भाई सरकारी प्रक्रिया में चल रहा है मामला, इसलिए वो लोग समझदार हैं और इंतज़ार भी कर रहे हैं आप लोगों का कि आप लोग कब पैसा उनका दें। तो कृपया मुझे ये बताइए कि बड़े निवेशकों का पैसा देने में आप लोग इतना लेट क्यों हो रहे हैं? सर देखिए, आप भी हमारे पास तो इसका जानकारी नहीं है सर। देखिए हम सिर्फ है ना आपका, देखिए सर अभी पहले बात तो ये है कि हमारे पास, हम लोग ने मतलब आप बता रहे हो कि हमारे पास अमाउंट है, ऐसा नहीं है सर। एक्चुअली इसका जो भी निवेश होता है ना, वो सर कम्युनिटी की तरफ से होता है, और कम्युनिटी की तरफ से ही आपको रिफंड होता है। नहीं मैम, ये सब तो हमें पता है, कमेटी की तरफ से रिफंड होता है, लेकिन अब आप ये भी तो सोचिए कि हमारे पास कितनी सूचनाएं हैं जिनके आधार पर ये पता चल रहा है कि सेवी विभाग के पास और RM लोढ़ा जी के पास देनदारी से 3 गुना इसकी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस आपके पास है, और आउट ऑफ इंडिया से बाहर के जो इनके वो थे ऑस्ट्रेलिया में जो प्रॉपर्टी थी वो भी वहाँ की गवर्नमेंट से बिकवा के यहाँ पैसा आ गया, और आपने जो इनके खाते सीज कर रखे थे 2016 से, वो खाते भी सीज खुलवा के आपके अकाउंट में पैसा RM लोढ़ा जी ने डलवा दिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, और ताज़ा इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है मैम, ये आपके अपर सीनियरों के लिए मैं दे रहा हूँ आपको, कि आप हमारा किडबैक आगे पहुँचाएंगे तो उनको पता चलेगा कि क्या धांधलेबाजी इस वक्त यहाँ पर चल रही। मैं देहरादून के रहने वाला हूँ मैम, और हमारे देहरादून में 100 एकड़ ज़मीन, मतलब सॉरी 100 करोड़ जमीन धोखाधड़ी से कंपनी के मतलब ये जो भूमाफिया होते हैं इन्होंने बेच दी, 100 करोड़ धोखाधड़ी करी गई। अब ये ताज़ा खबर हमारे पास आई थी 7 जनवरी को। तो मैम कहने का मतलब ये है कि जब ये भूमाफिया इन लोगों की प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं उठा उठा के, और एक जगह की नहीं है, इस उत्तराखंड की कम से कम भी नहीं तो एक ये प्रॉपर्टी जो बेची गई 100 एकड़ भूमि, वो फर्जीवाड़ा जो किया गया STF ने, इस मामले की कंपनी के डायरेक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। समझ रहे हो मैडम? अब कहने का मतलब ये है कि RM लोढ़ा जी की इन प्रॉपर्टी पर कमांड नहीं है क्या? जो भूमाफिया ये लोग करोड़ों की भूमि बेच रहे हैं, और हम लोगों का जो मेहनत का पैसा इसमें लगा हुआ था उसी से खरीदी हुई ये प्रॉपर्टी है, अगर ये प्रॉपर्टी इस तरीके से बिकेंगी तो आप लोग हमें पैसा कैसे दे देंगे? हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, हमें अपने पैसे की फिक्र है। आपका प्रोसीजर चल रहा है, हम आपके प्रोसीजर से जुड़े हुए हैं कि ठीक है हमें प्रोसीजर चल रहा है, मिल जाएंगे पैसे, लेकिन आप लोग इनकी प्रॉपर्टी का संरक्षण ही नहीं कर पा रहे हो। आप लोगों के सामने ये प्रॉपर्टियां बिक रही हैं। जी सही बोल रहे हो सर, पर जी हमारे अंडर नहीं आता है, हम कम्युनिटी की तरफ से जो अपडेट आता है ना वही आपको देते हैं। अगर आपको लोढ़ा कंपनी से कमेटी से बात करनी है तो आप डायरेक्ट उनकी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। नहीं पता मैम, क्या हमारे पास इस टाइम जो खबर है वो बहुत चौंकाने वाली है, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय और सेबी के फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए संगठित भूमाफियाओं के द्वारा, 100 करोड़ रुपए की जमीन का फर्जीवाड़ा कर डाला इन लोगों ने। ये STF की जांच में सामने आई बात, और ये प्राइवेट जो कंपनी बनाई गई इन भूमाफियाओं द्वारा, उन्होंने इस प्रॉपर्टी को बेच दिया, डालन वाला में इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी बेच दी गई।
तो कहने का मतलब ये है हमारा मैम जी, अगर इस तरीके से ये जो सरकारी संस्थान है, कर्मचारी हैं, ये क्या कर रहे हैं जो देहरादून के में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बिक गई और इनको कुछ पता भी नहीं चला। देखिए सर, ये इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है ट्रू है या फॉल्स ये नहीं पता हमें जी, पर हमारे सेबी में न्यूज़ जब तक नहीं आती तब तक हम सामने वाले को नहीं। मैम एक बात सुनो, ये कोई फर्जी मतलब वो नहीं है कि हाँ भाई कोई फर्जी खबर हो गई अमर उजाला कि ये बिल्कुल विश्वसनीय मतलब वो है अखबार, और इसमें जिन लोगों का हवाला दिया गया मैं उनके बारे में भी बता दूं। SSP STF अजय सिंह ने बताया कि उन्हें दून में एक संगठित भू माफिया के सक्रिय होने की जानकारी मिली थी। पता चला कि भाववाला, दोहरण खास, तरला, आमवाड़ा, बड़ोवाला, मसूरी में मौजूद संपत्तियों की एक कंपनी SPK वर्ल्ड कॉम प्राइवेट लिमिटेड बेच रही है। इसके लिए कंपनी के डायरेक्टर पूजा मलिक व संजीव मलिक को ने न्यायमूर्ति विक्रमजीत सैन व सेबी के अधिकारियों के फर्जी दस्तखत कर कागजात बनाए गए हैं। तो मैम ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा आपके सामने है, ये फर्जीवाड़ा अगर हुआ इस तरीके से, ये कोई अगर पकड़ में आ गया न जाने कितनी ऐसे प्रॉपर्टियां बेच रहा है भंगू के रिश्तेदार, जो इसके डायरेक्टर के रिश्तेदार हैं वो बाहर से आके प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं, और इस तरीके से प्रॉपर्टियां बेच दी गई तो मैम हमें पैसा कौन देगा? हमारा पैसा तो मिलने का नहीं, हमें इस बात की फिक्र है। आप हमारी बात को पहुंचाओ कि ये सब जो है मामला जिस तरीके से चल रहा है, ये लोग भू माफिया लोग पल्स की प्रॉपर्टियों को कब्जा कर बैठ जाते हैं, बेच देते हैं, आप लोगों को पता नहीं चलता। कोई आ गई जांच में बात तो सामने आ गई, लेकिन बस चल रहा है इस तरीके से। कैसे हमारा पेमेंट कर देंगे आप? हमारा पेमेंट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 25-30 लाख रुपया मेरे खुद के हाथ का लगा हुआ है इस क्षेत्र में, लोगों का, बड़े बड़े लोगों का। क्या होगा इसका समाधान? कुछ है नहीं है फिलहाल के लिए। 10,000 तक ही रिफंड हो रहा है सर, बाकी की इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे पाएंगे आपको। नहीं, इन्फॉर्मेशन आप क्या देंगे? इन्फॉर्मेशन तो हम आपको दे रहे हैं कि इस तरीके से अगर आप का ये चलता रहा मामला, आँख मीच के आरएम लोढ़ा जी बैठे रहे और उन्होंने इन प्रॉपर्टी को जो है मतलब ऐसे इस तरीके से बिकता रहा, तो कैसे होगा पैसा मिलेगा हमें? इन्फॉर्मेशन आप क्या देंगे हमें? 10,000 रुपये से ऊपर का रिफंड आप, आज आप 2-3 साल से यही आप 10,000 का रिफंड, 2,500 से शुरू करा था और 2 साल आ गए अभी तक आपने वही 10,000 पे अटके पड़े हैं। आप कितने धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने कितने शोर मचा रहे हैं हम लोग, हमारा पैसा दे दो, हमारा पैसा दे दो, आप लोग देना नहीं कर रहे हैं जी। आप समझ रहे हैं, हम भी आपकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं कि आपको सीमित जानकारी देकर बिठा दिया गया, आपको नहीं है ज़्यादा हम लोगों से इस मैटर में ज़्यादा जानकारी देने की वो अथॉरिटी। तो अब हम आपकी भी प्रॉब्लम समझ रहे हैं और आप हमारी भी समझ रहे हैं, आप और हम तो अपनी जगह सही हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं आरएम लोढ़ा जी? ये तो बहुत बड़े चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने तो बड़े बड़े खिलाड़ियों के वो जो फिक्सिंग मैच हुए थे उनके इनको इन्होंने केस संभाले हैं और उनका समाधान निकालना है कि आरएम लोढ़ा जी से PSL के पीड़ित जो 5,85,00,000 निवेशक है उनकी पीड़ा नहीं दिख रही उन्हें कि कितने कोरोना महामारी में मर गए, लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा लोग, वो सॉरी मतलब 5,85,00,000 में से आधे लोग मर गए इसमें। अरे जब इसके 10-12 डायरेक्टर ही जो जेल में सड़ के 6 मर गए और 6 बच गए, तो आप समझिए कि हिंदुस्तान में कितनी महामारी चल रही है, इसमें सारे निवेशक मरते जा रहे हैं, तो पैसा उनकी उनकी चिताओं पर रखेंगे या उनकी कब्र पर रखेंगे, या पैसा जो बाद में हमें मिलेगा? अगर हमें न्याय समय पर नहीं मिला तो उस न्याय का हमें क्या फ़ायदा होगा? हमें न्याय चाहिए मैम, और ये न्याय हमें मिल नहीं पा रहा। बहुत हाथ पैर छेद लिए, धरने प्रदर्शन कर लिए, जंतर मंतर पर जाके रौले मचा ली, जंतर मंतर पर जाके भूख हड़ताल लेकर ली, डंडे हमारे पड़े, ये सब परेशानियां हम लोगों के सामने आ रही। रजिस्ट्रेशन ही क्यों दिया था सरकार ने 1982 से? रजिस्ट्रेशन देकर आप लोग आँख मीच के बैठ गए, बाद में कह रहे हैं अवैध तरीके से धन वसूली करी गई। आरएम लोढ़ा जी को इस और संज्ञान देना चाहिए और सरकार को भी संज्ञान देना चाहिए। आपसे हमारा यही कहना है कि हमारा अगर आप फीडबैक पहुंचाते हैं ऊपर, तो उन लोगों का कोई रिप्लाई हमारे इस पर वीडियो पर क्यों नहीं आती? उनकी कोई रिप्लाई कि भाई ये परेशानियां निवेशकों को, तो इनका प्रोसीजर बढ़ा दो ना। आपके किसी पोर्टल पे है ना किसी वेबसाइट पे कुछ नहीं जानकारी देता आप, बस 10,000 का प्रोसीजर है,
और बस बात खत्म है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। मैं आपको अपने प्रोसीजर के बारे में पूछना नहीं बल्कि आपकी जो चल रहा ना मामला उसको बताने के लिए किया था फोन। मुझे पता है आपका 10,000 से ऊपर का प्रोसीजर नहीं चल रहा, ना चलाने के अभी ऊपर की कोई हमारे पास ऐसी वो दिख रही है आपकी वेबसाइट पर। हाँ भाई 10,000 से ऊपर वालों को पैसा बढ़ाएंगे। 2022 आ गया, आज एक दशक हो गया हमें पैसा नहीं मिला। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।